महिला स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं ने दरिमा निवासी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के संचालक राजेश गुप्ता और उसके परिवार पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। समूह की महिलाओं का आरोप है कि उक्त परिवार के द्वारा कई गांव की महिला समूह से पैसा जमा करने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपियों ने महिलाओं के पैसे का दुरुपयोग कर 3 मंजिला घर बनवाया, साथ ही कई गाड़ियां भी खरीदी है। पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत दरिमा थाने में की है। दरिमा पुलिस ने आरोपी राजेश गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं, लेकिन समूह की महिलाओं को उनका पैसा अब तक वापस नहीं मिल सका है। महिलाएं अपनी रकम वापस लेने के लिए कभी जनप्रतिनिधि तो कभी कलेक्टर के चक्कर लगा रही है। इसी कड़ी में समूह की कुछ महिलाएं बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची थी। पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर और एडिशनल SP को ज्ञापन सौंप उक्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पैसा वापस दिलवाने की मांग की है। उर्मिला है? मैं ग्राम रेवापुर से, और हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फंस गए हैं और हम लोग ठगी में फंसे हुए हैं। हम लोग को कहा गया कि 55,000 छूट मिलेगा खाने पीने के लिए, और बाकी पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। जितना पैसा पटाना पड़ेगा उसको मैं भुगतान करूँगा, राजेश गुप्ता बोला, वो दरिमा के रहने वाले हैं। कितना कितना पैसा निकाले हैं आप लोग? किसी में 25,000 निकाले हैं, किसी में 26,000 निकाले हैं, और किसी में 30,000 भी है, और किसी में 20,000 भी है। क्या बोल के निकाले थे? वो ये बोला कि मैं आंधी आए चाहे तूफान आए, कोई भी मुसीबत आए, हम लोग पैसा अच्छे से पटाएंगे। हम लोग का ये सिलसिला जारी बहुत दिन हो गया, चलते चलते 6-7 साल हो गया, और अभी सुनने में आ रहा है कि 1.5 साल हो रहा है। और उसके माता पिता भी ऐसे ही बोले कि दे दो पैसा, हम लोग पटाएंगे, और नहीं पटा पाएंगे तो हम लोग का जितना जायदाद जितना संपत्ति है उससे भुगतान हो जाएगा, और हम लोग दे दिए। अभी क्या समस्या है? हम लोग का समस्या ये है कि अभी जितना भी संपत्ति था उसको अंदर ही अंदर भगा रहा है। रात को आता है 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, आदमी लगा के पूरा जितना घर में सामान था उसको उठा के ले गया है। और अभी फिलहाल बस और एक हाइबा बचा हुआ है, उसको भी बोल रहे हैं कि ले जाएंगे खींच के। 2 दिन तो पुलिस वाले लोग से मिल के खींचवा रहा था, उनका नाम बोलते हैं रवि गुप्ता, उसके भाई हैं वही। फिर वहाँ दरिमा के दीदी लोग बोले कि आप घूस खाए हैं इसीलिए आप यहाँ से उठा के ले रहे हैं, तो वो बोल रहा था कि नहीं ये तो दूसरे का है, तो उसमें लिखाया गया है बस में कि ये तो अयोध्या गुप्ता का है। तो बस को हम लोग सब कोई जानते हैं कि अयोध्या गुप्ता ही खरीदा है, लेकिन दूसरे कोई मालिक हैं वो ही खींच के ले जा रहा है। लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि उसका जितना संपत्ति है वो स्टे लग जाए और उसी से हम लोग का भुगतान हो जाए। दरिमा में हमारा एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है 420 का, राजेश गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध में। हमने उसमें 2 आरोपियों को आज और गिरफ्तार किया है कि इनकी मूल शिकायत ये है कि ये स्व सहायता समूह हैं जिनको माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा में ऋण दिया गया है, और एक ही स्व सहायता समूह है जिनको कई बैंकों के द्वारा ऋण दिया गया है। वो ऋण की जो राशि है वो इन महिलाओं तक नहीं पहुँची है। जो इसका मुख्य सरगना है राजेश गुप्ता, उसने इन लोगों से दस्तखत करवाए, अंगूठा लगवाया, और पैसा जो है इन लोगों को न दे करके स्वयं अपने पास रख लिया और दूसरे कार्यों में उसको विनियोग किया हुआ था। हमने जब पंजीबद्ध किया था अपराध, उसी समय ही इनके खिलाफ में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया और जेल भी भेज दिए हैं। इन्होंने जो भी संपत्ति से संपत्ति क्रय किया था उस पैसे से, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और हम उसको न्यायालय में कुर्की की कार्रवाई करवा रहे हैं। घेराव करने नहीं पहुंची थी, वो भी अपनी बातों को रखने के लिए गई थी। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये ठगी के जो शिकार लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम सबका उसमें बयान ले रहे हैं वो अपराध में, और उनको सबको गवाह के रूप में शामिल कर रहे हैं। सर, इनका फौरी तौर पर क्या निराकरण किया जाए? अभी तो हम लोगों ने
इसका फौरी इलाज तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बैंक का मामला है। बैंक में इन्होंने ऋण के लिए आवेदन दिया, अब उसमें इन लोगों ने दस्तखत भी किए हैं, अंगूठा भी इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। बैंक से भी हम लोगों ने कहा हुआ है कि जब तक मामले का निराकरण नहीं हो जाता, ऋण वसूली के लिए ना करें, स्थगित रखें उसको, और बस यह भी कर सकते हैं प्रशासन स्तर पर। अभी तक तो हमारे पास लगभग 200 महिलाएं जानकारी में आ चुकी हैं, जिसमें बतौली क्षेत्र से कुछ लोग, बगीचा क्षेत्र से भी हैं, लुंड्रा बतौली और दरिमा क्षेत्र से भी हैं।